Assalamu alaikum. Dear students, today we are in the lecture number 7 of the Distributed Database Management System course. In the previous lecture, the focus of our discussion was dependencies, and we studied different types of dependencies which were the functional dependencies, multi value dependency, and projection joint dependency.

वो जो बिजनेस रूल्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं और है कि वो वेरी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन उनको एनफोर्स करने का नाम जो है या उनको एनफोर्स करने को हम कहते हैं कि दिस इज द बिहेवियल इंटाइटरी कॉन्स्टेंट दैट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड और दे आर एम्प्लीमेंटेड विद इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वेयर एज दक्चर इंटागटरी कॉन्स्टेंट्स दे आर रिलेटेड टू दक्चर ऑफ डेटा इन द Relational databases. You know, they are also the part of the data model. So, today we are going to discuss uh, the structured uh, integrity rules of the relational data model. Dear students, there are two integrity constraints. Rather, we should say there are two structural integrity constraints. Or, maps. I have already that they are so important that they have been made a part of the data model definition, and that is why they are supported by all DBMSs, rather all relational DBMSs. Now, there are two rules. There are two structural integrity rules. One is called the entity integrity rule, your entity integrity constraint, or dussa कहता रिफरेंशियल इंटैगटी कॉन्सटेंट अब जो एंटिटी इंटैग्रिटी कॉन्सटेंट है वो यूं डिफाइन होता है कि द प्राइमरी की कैन नॉट बी नल दिस इज दी इंटैगटी कॉन्सटेंट देखिए इसमें यह है कि आप जाहिर है कि एक एट्रीब्यूट जो डिफाइन करते हैं किसी भी रिलेशन का उसको जो वैल्यू साइन करते हैं बास किसी में ऐसा होता है कि कुछ एट्रीब्यूट के लिए वैल्यू डिफाइंड नहीं होती या कम अज कम इस वक्त जिस वक्त के आप उस पर एंटर कर रहे हैं उस टेबल के अंदर रिलेशन के अंदर उस वक्त डिफाइंड नहीं होती या अवेलेबल नहीं होती तो उस वक्त टेम्परली या परमानेंटली आप किसी एट्रीब्यूट को वैल्यू नहीं देना चाहते तो आप उसको नल डिक्लेयर कर देते हैं या कहते हैं कि इसकी वैल्यू नल है और नल का एक स्पेशल ट्रीटमेंट है रिलेशनल डेटा मॉडल्स के अंदर या रिलेशन डाटा बेसिस के अंदर अब क्या है कि जो प्राइमरी की एट्रीब्यूट है उसमें नल वैल्यू असाइन नहीं हो सकती दिस इज ए रूल दिस इज एन इंटेग्रिटी रूल इन द रिलेशनल डाटा मॉडल एंड अगेन आई एम टेलिंग यू के सिंस दिस इज द पार्ट ऑफ द डाटा मॉडल दिस इज द पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ डाटा मॉडल इसलिए यह बात डिसाइडेड है कि जिस एट्रीब्यूट को यू हैव डिक्लेयर्ड एज द प्राइमरी की उस एट्रीब्यूट को आप नल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते और जाहिर है इसकी लॉजिक भी है लॉजिक यही है बिकॉज प्राइमरी की इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स तो अगर आप एक एट्रीब्यूट को नल वैल्यू दे, दे देंगे तो आप उसको उसकी वैल्यू के बेस पे या उस रिकॉर्ड को आउट ऑफ मैनी रिकॉर्ड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो जाहिर है कि ये बात बिल्कुल ही लॉजिकल है कि आप जो प्राइमरी की है उसको नल वैल्यू नहीं दे सकते दूसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है कि अगर आपके जो प्राइमरी की है वो कंपोजिट है इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट तो ये जहन में रखिएगा कि प्राइमरी की के तमाम एट्रिब्यूट्स में से कोई भी जो है उसको नल वैल्यू नहीं ले सकता ना सिर्फ ये कि प्राइमरी की पूरी की पूरी मतलब इससे आपको यह कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए कि जब हम ये कहते हैं कि प्राइमरी की कैन नॉट है नल वैल्यू तो क्या इसे है कि अगर एक एक टेबल की जो प्राइमरी की है फिर लेट्स थ्री एट्रिब्यूट्स तो हम ये कहें, भी किसी एक को तो हम नल दे सकते हैं कि सबको सबको नल नहीं दे सकते हैं नो no. जो आपका एंटिटी एंटेग्रेटी कॉन्स्टेंट है इसकी डेफिनेशन के लिहाज से प्राइमरी की के अंदर शामिल किसी भी एट्रीब्यूट को हम नल वैल्यू नहीं दे सकते किसी एक को भी नहीं तो दिस इज एंटीटी इंटेग्रिटी रूल या एंटीटी इंटेग्रिटी कॉन्सटेंट दूसरा रूल जो कि इसमें स्ट्रक्चरल इंटेग्रटिव कंस्टेंट में शामिल है दैट इज द रिफ्रेंशियल इंटेगरी कॉन्स्टेंट इसका ताल्लुक जो है वो है दो टेबल्स को आपस में लिंक करने के साथ इससे मुराद ये है कि आप अगर दो टेबल्स को आपस में लिंक करते हैं रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर तो दैट इज बेस्ड ऑन द की होता यह है कि जनरली अब यू करते हैं कि एक टेबल की जो प्राइमरी की है उसको आप शामिल कर लेते हैं दूसरे टेबल के अंदर और उसका एडवांटेज ये होता है कि अब आपको इन दोनों टेबल्स के दरमियान एक लिंक स्टेब्लिश हो गया है और एक टेबल की तो प्राइमरी की है और दूसरा टेबल जिसमें जाके वो इंक्लूड हो रही है फॉर द पर्पज ऑफ लिंकिंग ऑफ दिस टू टेबल्स उसके अंदर ये कहलाती है फौरन की चना अभी तक हमने डिफरेंट कीज के बारे में पढ़ा था लेकिन अभी एक नई टाइप आ गई फॉरन की ऐसा एट्रीब्यूट एक टेबल के अंदर जो कि किसी दूसरे टेबल के अंदर प्राइमरी की है डेट विल बी कॉल्ड फॉरेन की इन दिस टेबल तो फॉरेन की का जो ऑब्जेक्टिव है जिसका पर्पज है वो यही है कि ये लिंक करती है दो टेबल्स को अब चूंकि हमने नॉर्मलाइजेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया तो इसलिए हमें इसका अभी जहरा कि इसका अंदाजा नहीं है कि जो एडवाटेज क्या है प्रायमरी फॉरन की के तो सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि आप जो डुप्लीकेशन है उसको अवॉइड करते हैं मिसाल के तौर पर अगर हम यू कहें कि एक एम्प्लॉय है एम्प्लॉय का डाटा है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय एड्रेस और डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम अब इस पर देखिए कि आप जो डिपार्टमेंट नेम है एक डिपार्टमेंट के अंदर जाहिर है कि हो सकता है कि दसीियों बीसियों सैकड़ों जो ना एम्प्लॉय काम कर सकते हैं तो अगर فرض करें हमारे पास दस हजार एम्प्लॉयज है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में और हम हर एक रिकॉर्ड में एम्प्लॉय के हर एक रिकॉर्ड में अगर डिपार्टमेंट नेम स्टोर कर रहे हैं दैट इज डुप्लिकेशन और फिर इसमें बाकी नॉमलीज भी आ जाती है तो उसको अवॉइड करने के लिए वट वी डू कि वी स्प्रिट दिसंपोज दू वन इज कॉल्ड द एम्प्लॉय एंड अदर इज कॉल्ड द डिपार्टमेंट अब इसका मतलब यह हुआ कि फर्ज करें अगर हमारे पास दस डिपार्टमेंट्स हैं तो हमारे पास जो डिपार्टमेंट टेबल है उसमें दस रिकॉर्ड होंगे जिसमें जो डिपार्टमेंट आई डी दैट विल प्राइमरी की और डिपार्टमेंट नेम विल बी द नॉन कैटरीब्यूट ऑफ द डिपार्टमेंट और अब हम ये करेंगे कि इस चीज को जानने के लिए कि एक एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है और उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है टो राफ द डिपार्टमेंट इन ऑल द रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉय वट यू डू के वी टेक दोस्त टू एट्रीब्यूट आउट एंड क्रिएट ए सेपरेट टेबल एंड देन वी प्लेस द आइडेंटिटी ऑफ द डिपार्टमेंट इन टू द Employee table as foreign key. So the department ID now is the primary key in the department table, but it is a foreign key in the employee table. It is basically linking these two tables. So now, rather than storing the name of the departments of each employee in every record. What we do? We simply store the ID of the department. So now if you want to access the name of the department of an employee, employee record we will take the department ID or जहाँ पर ये फ़ौरन की है इससे रिलेटेड जो हमारे पास डिपार्टमेंट का टेबल है वहाँ जाएंगे और वहाँ से हम डिपार्टमेंट आईडी के जरिए उस डिपार्टमेंट का नाम ले लेंगे कि जिस डिपार्टमेंट में एक, एक एम्प्लॉँ काम करता है इसके वो तमाम एडवांटेजेस हैं कि जिस जो हमने कि हमने नॉर्मलाइजेशन में पढ़े हैं कि इसमें जो तमाम तमाम तरह के नॉमलेज हैं वो रिमूव हो जाती हैं लेकिन इस चीज़ को कवर करता है आपका रेफरेंशल इंटैग्रिटी कॉन्स्टेंट कि आप फॉरन की को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दें क्योंकि अगर इसको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो इट कैन लीड अस टू ए वेरी वेरी रॉन्ग एंड स्ट्रेंज सिचुएशन देखिए पहली बात यह है कि रेफरेंशियल इंटैग्रिटी कॉन्स्टेंट है क्या वो ये है कि द फॉरन की इधर इट विल हैव द नल वैल्यू और द वैल्यू दैट इट कंटेन्स इट मस्ट मैच विद ए वैल्यू

डियर स्टूडेंट्स ये बात बहुत अहम है क्योंकि अगर आप इस रूल को एनफोर्स नहीं करते तो इट कैन लीड टू अस वेरी रॉन्ग कंक्लूजन मिसाल के तौर पे आप डिपार्टमेंट आईडी पे जो कि आपके पास एम्प्लॉय के अंदर डिपार्टमेंट आईडी है उसमें अगर आप एक ऐसी वैल्यू प्लेस कर देते हैं जो कि डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती इसका नुकसान देखिए पहली बात तो है कि वो एक ऐसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि जिसमें आप उस डिपार्टमेंट का पता ही नहीं चला सकते कि जिस डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है क्यों ज्यादा तौर पर फर्ज करें आपने पांच डिपार्टमेंट स्टोर किए डिपार्टमेंट जिसका जो जिन आईडी हैं वो डी वन से लेके डी तक है डी एक डिपार्टमेंट है डी टू डी थ्री अब लेट्स से गलती से या वट आपने ये किया कि आपने एक एम्प्लॉय के रिकार्ड में स्टोर कर दिया डी अब अगर आप किसी स्टेज पे इस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट जाना चाहते हैं तो रूट तो वही था हमारा नॉर्मल क्या वी टेक द फॉरेन की फॉरेन की वैल्यू फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल एंड वी कम टू द डिपार्टमेंट टेबल और वहां से हम उसका डिपार्टमेंट का नाम ढूंढे अब डी को हम लेकर आते हैं एम्प्लॉय के टेबल से एंड वेन वी कम टू द डिपार्टमेंट टेबल एंड वीड ट्राई टू सर्च द डी एट डिपार्टमेंट वी फाउंड आउट इज नो डिपार्टमेंट विद डी एट आई इसका मतलब ये हुआ कि वो एम्प्लॉ एक ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है कि जो डिपार्टमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो डिपार्टमेंट डिफाइन ही नहीं है इसका मतलब तो यह हुआ कि यू आर यू आर डिपेक्टिंग अ वेरी रॉन्ग सिचुएशन कि आप एक डिपार्टमेंट में कह रहे हैं कि आप, आप कह रहे हैं कि फलां एम्प्लॉई फलान डिपार्टमेंट में काम करेगा और वो डिपार्टमेंट तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिट नहीं करता ज़ाहरा कि यह तो अगर आप देखें ये तो एक आप आप, देखेंगे तो 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 so आपने ये रूल डाटा मॉडल में डिफाइन कर दिया कि फॉरन की अंदर आप वैल्यू डालें या तो आपसे नल डाल दें देखिए यहां पर नल को भी अगर आप Uh, देखे नल का हमने कहा था दिस इज नॉट डिफाइंड सो फार दिस इज नॉट डिफाइंड तो अगर आप इस सिचुएशन को कि वेन फॉरन की एट्रीब्यूट इज हैविंग नल वैल्यू आप इसको अगर कर रिलेट करें विद रियल लाइफ सिचुएशन तो आप ये कहेंगे कि ठीक है हमने इस एट्रीब्यूट में ऐसी वैल्यू दी हुई है जो अभी तक डिफाइंड नहीं है या हम ये कहेंगे कि फ्ला एम्प्लॉय तो है हमारा लेकिन अभी किसी डिपार्टमेंट में वो नहीं गया हुआ जाहिर ऐसा तो हो सकता है ना कि यू हैव सम एम्प्लॉयज और आपने अभी किसी डिपार्टमेंट को एलोकेट नहीं किया हुआ

आपको वो जनरल सिचुएशन अलाउ करती है कि जब आप उसको अभी चाहते ही नहीं है कि वो अपने होम रिलेशन के साथ किसी रिकॉर्ड से लिंक हो और जाहिर है कि ये रियल लाइफ में एक सिचुएशन हो सकती है लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि जिसमें वो कहते हैं हम अलाउ ही नहीं करते जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया कि बगैर डिपार्टमेंट एसोसिएट किए हुए या डिपार्टमेंट एलोकेट किए हुए हम किसी एम्प्लॉय को हायर नहीं करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में आप ये करेंगे कि जो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट का जो नल एस्पेक्ट है उसको रिमूव कर देंगे तो बाय डेफिनेशन फ्रॉम द वेरी डाटा मॉडल क्या है कि जो फॉरन की है इट कैन हैव द नल वैल्यू बट द वैल्यू ऑफ इट हैज इट विल इट हैज टू बी मैचिंग विद द वैल्यू इन द होम रिलेशन तो ये तो है बाय द डेफिनेशन ऑफ द रेफरेंशियल डायग्री कॉन्स्टेंट लेकिन अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को डिपेक्ट करना है तो उस फॉरन की के ऊपर वो तो जो है ना उसको जो लिबर्टी थी हैविंग नल वैल्यू वो आप वहाँ से रिमूव कर लेंगे अब क्या है कि यू मस्ट गिव द वैल्यू इन द फॉरेन की बट अगेन बाई डेफिनेशन इट हैज टू बी ए वैलिड वैल्यू तो माइंड इट आपने पहला कॉन्स्टेंट तो उठा लिया ये आपका इस प्रोविजन है कि आप उस पर नल वैल्यू का जो लिबर्टी थी या वो प्रोविजन थी वो तो हटा लिया आपने लेकिन आप उससे दूसरी जो प्रोविजन है दूसरी कॉन्स्टिनेंट है वो नहीं हटा सकते कि आप यह कहें क्योंकि तो हमने नल वैल्यू की तो रिस्ट्रिक्शन हटा ली है हम उससे ये रिस्ट्रिक्शन भी हटा लें कि वो कोई सी वैल्यू ले मैच करना जरूरी नहीं है नो दिस कैन नॉट बी रिमूव क्योंकि दिस इज दार्ट ऑफ द डेफिनेशन फॉरन की फिर वो फॉरन की ही नहीं रहेगी आई होप यू अंडरस्टैंड तो जो आपके स्ट्रक्चरल रेफरेंशियल इंटेगिव कॉन्स्टेंट्स हैं वो दो हैं एंटिटी इंटेग कॉन्स्टेंट और रेफरेंशियल इंटेगिव कॉन्स्टेंट जो एंटिटी इंटेगिव कॉन्स्टेंट है इट डील्स विद द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की अब देखिए प्राइमरी की है बाय इट्स डेफिनेशन इट के नाव इट कैन नॉट हैव द डुप्लीकेट वैल्यू क्यों जाहिर है कि अगर आप उसको डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करते हैं तो वो यूनिकली किसी रिकॉर्ड को कैसे अलाव करेगी आइडेंटिफाई करेगी मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि इंप्लायी आई एम्प्लॉय आई डी फर्ज कर हम कहते हैं ई जीरो जीरो वन है और वो है अमजद एक और एम्प्लॉय है ई जीरो जीरो अगेन बट दिस इज नाइम अब अगर प्राइमरी की को आप डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करते हैं तो हम जब एक्सेस करेंगे ई जीरो जीरो वन यू वॉन्ट हैव ए सिंगल वैल्यू यू विल हैव टू वैल्यूज अमजद एंड नीम वेल दिस इज अगेंस्ट द वेरी परपज ऑफ द प्राइमरी की तो अगेन well, तो प्राइमरी की है बाईस डेफिनेशन इट कैन नॉट है डुप्लीकेट वैल्यूज और जो एंटिटी इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट है इस पर यह रिस्ट्रिक्शन पोज करता है कि इट कैन नॉट है नल वैल्यू इसी तरीके से जो फॉरन की है वो तो लिंक करती है लेकिन जो रिफ्रेंशियल इंटाग्रेटी कॉन्स्टेंट है वो ये कहता है कि या तो ये नल वैल्यू लेगा या फिर ये फिर ये एक ऐसी वैल्यू लेगा जो मैच करेगी होम रिलेशन के अंदर देखिए कहने को हम जब इसकी इंटेग्रेटिव कॉन्स्टेंट्स की जब डिविजन करते हैं तो वी से द्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स दे डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा द डाटा बेस और जो आपके बिहेवियल इंटाग्रेटिव कॉन्स्टेंट्स हैं दे रिप्रजेंट द सीमैटिक्स द बिजनेस रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जो आपके स्ट्रक्चरल इंटैग्रिटी कॉन्स्टेंट हैं दे आर आल्सो रिप्रेजेंटिंग दे आर आल्सो गार्डिंग बिजनेस रूल्स कैसे वो ऐसे कि कि आप अगर किसी एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट असाइन करना चाहते हैं देन नो ऑर्गेनाइजेशन में अलाउ यू टू असाइन एन इनवैलिड डिपार्टमेंट टू एन एम्प्लॉय जाहिर ऐसा नहीं हो सकता इसी तरीके से फर्ड करें आप लिंक करते हैं एक स्टूडेंट को और कोर्स को कि एक स्टूडेंट जो है वो फ्लां कोर्स में रजिस्टर्ड है तो अगेन यू विल नॉट अलाउ टेंट एंड इन एन इनवैलिड कोर्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट इसी तरीके से आप कहते हैं कि एम्प्लॉय uh, फ्लां प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है तो आप एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट को लिंक करते हैं अगेन इफ यू यूज द प्रोजेक्ट आई एज द द फोरन की इन द एम्प्लॉय टेबल अगेन यू विल नॉट अलाउ एन एम्प्लॉयड टू बी असाइन टू अ प्रोजेक्ट दैट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल ऑल दो देर इज अ डिस्टिंक्शन देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चरल डाइगरी कॉन्स्टेंट एंड द बिहेवियल लेकिन अगर आप गौर करें तो जो आपके स्ट्रक्चरल डाइगरी कॉन्स्टेंट हैं वो भी एक लिहाज से बिजनेस रूल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन अब इसको हमने ये डिवीजन क्यों दे दिया डिवीजन हमने इसलिए दे दिया है कि चूंकि हम जो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं ऑफ द टेबल्स दैट वॉज बेसिकली ए रिक्वायरमेंट बाय द डाटा डिजाइन ये उसकी एक मजबूरी थी कह लें या उसकी एक रिक्वायरमेंट थी कि जिसके बेस पे हमने टेबल्स को डिकम्पोज किया और फिर जाहिर है कि उनमें आपस में एक लिंक शो करने के लिए वी यूज द प्राइमरी फॉरन की थिंग तो इसलिए दे आर बींग द स्ट्रक्चरल टैग कॉन्स्टेंट्स अदरवाइज दे आर ऑल्सो द बिजनेस रूल्स बट अगेन दे आर सो कॉमन दे आर सो जनरल दैट दे एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट एवरी इन्वायरमेंट दैट इज वाई

रिलेशनल डाटा मॉडल एंड दैट इज रिलेशनल डाटा लैंग्वेजेस यानी वो लैंग्वेजेस जिनको इस्तेमाल करते हुए आप रिलेशनल में जो डाटा है उनको मैनिपुलेट करते हैं डर स्टूडेंट्स मैंने आपको जब शुरू में बताया था कि रिलेशनल डाटा मॉडल की जो स्ट्रेंथ है उसमें से एक एस्पेक्ट जो है वो है इसकी सपोर्ट फ्रॉम द मैथमेटिक्स यानी कि जो इसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है दैट इज वन ऑफ द मेजर स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनल डाटा मॉडल तो जो आपके पास रिलेशनल डाटा बेस की जो मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस हैं दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन दी मैथमेटिक्स या वहीं से वो स्टेम आउट होती हैं फिर तो अच्छा ये भी उसकी स्ट्रेंथ है अब हम उन लैंग्वेज का एक ओवरव्यू करने जा रहे हैं कि जो कि रिलेशन डेटा मॉडल में मिलती हैं हमें इनमें से एक है जो कि हम कहते हैं कि दैट इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनल एल्जब्रा और इनको हम प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कहते हैं और दूसरी हमारे पास हैं जो कि रोलेशनल कैलकुलस के ऊपर बेस करती हैं और इनको हम नॉन प्रोसीजर भी कहते हैं अब जो एक मेजर डिफ्रेंसीशन है प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजर में वो यही है कि इन द प्रोसीजरल लैंग्वेज वी हैव टू मैंशन वट टू गेट एंड हाउ टू गेट इसमें जो हाउ टू का जो एलिमेंट है दैट मेक दम प्रोसीजरल वेयर एज इन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज हम क्या करते हैं वी सिंपली से वट टू गेट एंड वी डू नॉट नीड टू टेल हाउ टू गेट दैट इज डिसाइडेड बाय समल्स तो इसका मतलब यह है कि ये तो मेजर कैटेगरीज हैं प्रोसीजर और नॉन प्रोसीजरल की प्रोडशनल एल्जब्रा इज बेसिकली ए प्रोसीजर लैंग्वेज दैट इज सपोर्टेड बाई देशनल डाटा बेसिस इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑपरेशन सर्टन ऑपरेशन हैं और इसमें फाइव बेसिक ऑपरेशन हैं जिनमें के जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि सिलेक्शन है प्रोजेक्शन है यूनियन सेट डिफरेंस एंड कार्टिशन प्रोडक्ट ये वो पांच बेसिक ऑपरेशंस हैं दैट आर डिफाइंड इन द रिलेशनल एल्जब्रा इसके अलावा की बेसिस पे इन्हीं बेसिक ऑपरेशंस को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास पांच और ऑपरेशंस हैं जो कि हम डिफाइन करते हैं उनमें से एक है इंटरसेक्शन थीटा जॉइन नेचुरल जॉइन सेमी जॉइन एंड कोशन या डिवीजन तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशनल एल्जब्रा के अंदर हमारे पास फाइव बेसिक ऑपरेशन हैं जो कि बिल्टिन डिफाइंड हैं और उन्हीं पाँच को इस्तेमाल करते हुए वी डिफाइंड फाइव मोर तो आइए इनको ब्रीफली देखते हैं कि ये ऑपरेशन क्या है इससे पहले हमें दो चीजें देखनी है पहली चीज तो ये है कि जो आपके रिलेशनल अल्जाबरा के ऑपरेशन हैं उनमें से यूनरी हैं और बाज बाइनरी हैं यूनरी मीन्स के ऐसे ऑपरेशन जिनके लिए आपको ऑपरेंट के तौर पे एक रिलेशन चाहिए होता है और बाइनरी ऑपरेशन वो हैं कि जिनमें आपको इनपुट के तौर पे दो रिलेशन चाहिए तो ये तो डिफरेंस हो गया यूनरी और बाइनरी में इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट जो कि आपको पता चाहिए वो है यूनियन कम्पैटिलिटी का बास परफॉर्म करना चाहेंगे दो रिलेशन की तो जो आपके इनपुट रिलेशन हैं देव टू बी यूनियन कंपेटल यूनियन कंपेटिबिलिटी ऑफ टू रिलेशन मीन के एक बात तो यह है कि जो उनमें नंबर ऑफ एटीब्यूट हैं वो सेम होने चाहिए एक में अगर अर्से के Uh, पाँच दूसरे पांच हो मतलब जो उनकी तादाद सेम होनी चाहिए और दूसरी बात उसमें यह है कि ना सिर्फ तादाद सेम हो बल्कि वो एग्जैक्टली exactly सेम हो यानी जो इसका पहला एट्रीब्यूट है दूसरे के पहले एट्रीब्यूट से मैच करे इसका दूसरा दूसरे के दूसरे साथ एंड लाइक दैट यानी तमाम जो करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट हैं दे शुड बी सेम ऑफ द क्वेश्चन इज वट डू वी मीन बाई सेम हियर दे आर टू पॉसिबिलिटीज फर्स्ट थिंग इज नेम एंड सेकेंड इज डोमेन तो इसमें ये देखिए कि यूनियन कंपेटिबिलिटी के लिए यू डू नॉट नीड टू हैव सेम नेम्स या एट्रीब्यूट डू नॉट नीड टू हैव द सेम नेम अदर दे शुड हैव द सेम डोमेन और जो यूनियन कंपेटिबिलिटी के अंदर द सिस्टम विल चेक ओनली द डोमेन ऑफ द करस्पॉडिंग एट्रीब्यूट इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका फर्स्ट एट्रीब्यूट है एक रिलेशन के अंदर उसके लिए आप फर्ज करें अगर है लेट्स इन टीजर तो दूसरी टेबल का जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है उसकी जो टाइप है उसका जो डोमेन है वो भी इंटीजर होना चाहिए ऐसे दूसरा अगर यहाँ पर स्ट्रिंग है तो दूसरे के अंदर दूसरा वो स्ट्रिंग होना चाहिए एंड लाइक दैट तो जो करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट है पहला पहला दूसरा दूसरा और तीसरा लाइक दैट उन तमाम के जो एट जो डोमेन है या जो टाइप है वो सेम होना चाहिए तो दैट काउंट्स टूअर्ड्स यूनियन कंपेटेबिलिटी तो सर्टन ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करेंगे तो उससे पहले हम कहेंगे कि आर टू बी बल तो आप उसे समझ जाइए कि यहां से क्या मुराद है ये हमारा पहला ऑपरेशन है रिलेशन एल्ज्रा का जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन जो सिलेक्शन ऑपरेशन है दैट गिव्स यू ए हॉरिजेंटल सबसेट ऑफ ए रिलेशन क्योंकि आपको पता है कि जो एक रिलेशन है

इस ऑपरेशन को अप्लाई करना है मिसाल के तौर पे आपने कहा कि ये सिग्मा ऑपरेशन और आपने कंडीशन दे दी और रिलेशन का नाम दे दिया यहां वो ये यह कहता है कि द तो प्रेडिकेट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट कैलकुलस एक ऑफ sort कंडीशन of है जो अप्लाई होगी ऑन एवरी टर्पल ऑफ द रिलेशन द दैट द गिवन कंडीशन दे विल बी इंक्लूडेड द आउटपुट रिलेशन और जो उसको जहरा के सेटिसफाई नहीं करते वो उसमें शामिल नहीं होंगे और यहाँ पे एक और बात की आप देखिए कि जो हमारी ऑपरेशन हैं इनका इनपुट जो है वो एक रिलेशन है एक तो दो रिलेशन और जो इसका आउटपुट है इन ऑपरेशन का वो भी एक रिलेशन है नो वी आर डिस्कसिंग दिस प्रेडिकेट थिंग कि जो आपका प्रेडिकेट है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी पहली बात तो यह है कि जो इसमें सिम्बल्स शामिल हैं वो चार तरह के हो सकते हैं मिसाल तौर तो के पहली जो इसमें टाइप है वो ये है कि इसमें वेरिएबल हो सकते हैं कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं फंक्शन हो सकते हैं और प्रेडिकेट सिंबल्स जो आप ऐसे सिंबल जो प्रेडिकेट्स के लिए आप इस्तेमाल करते हैं पर तो पी क्यू आर एस वगैरह इसके अलावा इसमें पैरथिस हो सकती है इसके अलावा इनके अंदर जो तीसरा आइटम है तीसरा कंपोनेंट जो पॉसिबल है किसी एक प्रेडिकेट में वो हो सकते हैं लॉजिकल कनेक्टर्स लॉजिकल कनेक्टर्स हमारे पास दो तरह के हैं एक है एंड और दूसरा और और चौथा कंपोनेंट जो हो सकता है वो है क्वांटिफायर्स का क्वान्टिफायर्स नॉर्मली दो तरह के हैं एक है आपके पास फॉर ऑल और एक है देर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन ये याद रखिएगा कि जो हमारे पास प्रेडिकेट्स या जो कंडीशन इस्तेमाल होती हैं रिलेशन एल्जब्रा में उसके अंदर क्वान्टिफायर्स इस्तेमाल नहीं होते लेकिन बाकी जितने इसमें कॉम्पोन हैं वो इस्तेमाल होते हैं तो आइए अब आप मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल एक सेलेक्शन ऑपरेशन की ये आपके सामने दो सिलेक्शन ऑपरेशन लिखे हुए नजर आ रहे हैं इससे पहले आप देखिए कि वो सिग्मा का सिंबल जो कि आप इस्तेमाल करते हैं सिलेक्शन के लिए वो है और साथ आपने लिखा हुआ डिपार्टमेंट इज इक्वल टू तो डी जीरो डिपार्टमेंट इज द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट जिस पर आप कंडीशन लगा रहे हैं इक्वल की कंडीशन लगा रहे हैं और डी जीरो वन इज द वैल्यू और आप इसमें इस कंडीशन इस, uh, को या इस ऑपरेशन को कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं यू आर अपलाइंग इट ऑन द रिलेशन एम्प्लॉय या एम्प वट है दिस कंडीशन इज प्लेस्ड इज चेक्ट ऑन ऑल द टपल्स

आर वर्किंग इन द डिपार्टमेंट जिसकी आइडेंटिटी है डी जीरो वन तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगा तो दूसरी एग्जाम्पल है उसमें अगर आप देखें तो उसमें एक शॉर्ट ऑफ जो है ना वो कंपोजिट कंडीशन लगी हुई है ऐसी जिसमें कि दो कंडीशन है और वो लॉजिकल कनेक्टर के साथ मिली हुई है मिसाल के तौर पर इसमें यह है कि डिपार्टमेंट इज इक्वल टू डी जीरो वन दिस इज वन कंडीशन एंड सैलरी लेस देन ट्वेंटी थाउजेंड अब इसमें यह देखिए आप कि सैलरी और डिपार्टमेंट बोथ ऑफ दैम दे आर द एट्रीब्यूट ऑफ द एम्प्लॉय टेबल आप कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि डिपार्टमेंट की वैल्यू ये हो और सैलरी में जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो इससे कम हो इसका मतलब यह है कि आप इस ऑपरेशन uh, के जरिए यू आर गेटिंग दोज एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट डी जीरो वन हु सैलरी इज लेस दैन ट्वेंटी थाउजेंड तो दीज आर सम्पल्स ऑफ दिलेक्शन ऑपरेशन

दैट इज परफॉर्म्ड बाय द प्रोजेक्शन ऑपरेशन इसका आप सामने देख लीजिए कि आपके पास सिंबल है इसका और इस सिंबल के साथ अब आपने नीचे इसके आपने उन एट्रीब्यूट के नाम देने हैं कि दैट यू वॉन्ट टू सी और ब्रैकेट में आप देखें कि आपने आर उस रिलेशन का नाम लिखा हुआ कि जिसपे यू वॉन्ट टू तो परफॉर्म दिस ऑपरेशन इसके एग्जाम्पल के तौर तो पर आपने आगे देखा कि एक स्टेटमेंट लिखी हुई है एक ऑपरेशन लिखा हुआ है कि जिसमें हमने कहा हुआ कि प्रोजेक्शन ऑपरेशन और फिर हमने कहा नेम एड्रेस नाउ नेम एड्रेस दीज आर टू एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल स्टूडेंट तो आप स्टूडेंट टेबल में से इन दो एट्रीब्यूट की वैल्यू देखना चाहते हैं और आप एक और चीज देखें कि जो आपके पास ये सिलेक्शन और प्रोजेक्शन के ऑपरेशन हैं बेसिकली दोनों ही आपको सबसेट दे रहे हैं एक दे रहा है हॉरिजेंटल एक दे रहा है वर्टिकल जो हॉरिजेंटल सबसेट है दैट यू आर सिलेक्टिंग बेस्ड ऑन ए कंडीशन रोज आप सेलेक्ट कर रहे हैं बाय स्पेसिफाइंग ए कंडीशन जबकि जब आप एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं जब attributes वर्टिकल जब उसका सबसेट ले रहे हैं यू आर स्पेसिफाइंग नेम्स इसकी आप देखें लॉजिक आपको समझ आ जाएगी कि क्योंकि जाहिर है कि वर्टिकल केस में यू हैव ऑलवेज सडन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट और नॉर्मली वो थोड़े तादाद में होते हैं ना हंड्रेड मतलब दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस सौ तो दो सौ भी हो सकते हैं लेकिन भर उनके नाम होते हैं विद नेम लेकिन जब आप हॉजेंटल की बात करते हैं तो उस वक्त उनके इंडिविजुअल नेम्स को करना इज डिफिकल्ट यानी हॉरिजेंटल केस में मोस्ट ऑफ द टाइम रदर ऑन द इंडिविजुअल आईडीज ऑफ द रिकॉर्ड आप क्या करते हैं कि आप कंडीशन पोज करते हैं कंडीशन पोज करते हैं उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए चाहे उसमें एक रिकॉर्ड है दो हैं तीन हैं दस हैं हजार हैं दस हज़ार है, जितने भी रिकॉर्ड हैं उसमें जो कि उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं वो तमाम आप आ जाए वो आ जाएंगे सारे के सारे इसका मतलब ये है कि दोनों ऑपरेशन में जो कमनेलिटी है वो तो ये है कि दोनों जो है वो आपको सबसेट देते हैं हॉर्जेंटली हॉर्जेंटली और वर्टिकली लेकिन जो तरीका है उनको सबसेट्स को एक्सेस करने का वो क्या है कि आप वर्टिकल के लिए फॉर प्रोजेक्शन यू गिव द नेम्स ऑफ द एट्रीब्यूट वेर एज फॉर सबसेट, सबसेटू गेट रिकॉर्ड यू गिव ए कंडीशन इसके अलावा इन दोनों ऑपरेशन में एक और जो कॉमन बात है वो ये है कि ये दोनों के दोनों हैं यूनरी ऑपरेशन द थर्ड ऑपरेशन ऑफ द रिलेशन एलज्रा इज द यूनियन ऑपरेशन पहली बात तो यह है कि दोनों टेबल्स को दोनों रिलेशन को जिन पे आप ये अप्लाई कर रहे हैं दे हैव टू बी यूनियन कंपेटेबल ये हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं अब यूनियन से क्या होगा कि जो आपके ऐसे टपल्स जो कि दोनों टेबल्स में मौजूद हैं वो तमाम के तमाम इकट्ठे हो जाएंगे यानी इसका आप देखें कि इसकी नॉर्मली जरूरत ऐसी जगहों में पड़ती है कि जब आपने फॉर डिफरेंट रीजन और खासतौर पर वो रीजन आपको डिस्ट्रीब्यूटर डेटा में बिलखसूस नज़र आएगी कि आपने सेम टेबल को स्प्लिट किया हुआ है मुख्तु जगहों के ऊपर और किसी वजह से आप अगर उन तमाम को इकट्ठा देखना चाहते हैं यू विल सिंपली टेक द यूनियन ऑफ द टू टेबल तो क्या होगा कि तमाम रोज जो कि इस टेबल में और इस टेबल में है वो दोनों मिल जाएंगी तो इस तरह से आपको तमाम रिकॉर्ड इकट्ठे देखने का मौका मिल जाएगा इससे फिर ये है कि इसमें जो डुप्लीकेट रोज़ हैं डुप्लीकेट टपल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे इसका पता है कि अगर एक आपके पास टपल ऐसा जो कि दोनों जगह एग्जिस्ट करता है एक टेबल में भी और दूसरे टेबल में भी जब आप यूनियन लेंगे तो वो उसमें यूनियन में नहीं आएगा माइंड इट जो ओरिजिनल टेबल है उसमें रहेगा ओरिजिनल से रिमूव नहीं होगा लेकिन जो आपका आउटपुट आपको मिलेगा जो उसका यूनियन है दोनों टेबल्स का उसमें वो एक ही नजर आएगा इसके अलावा जो यूनियन ऑपरेशन है उसका एक जो आपको यूटिलिटी है वो ये है कि जब आप नया कोई रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं किसी टेबल के अंदर तो उसके लिए बेसिकली आप यूनियन ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हैं कैसे मिसाल के तौर तो पर अगर आपके पास एम्प्लॉय का टेबल है और आपके पास फर्ज करेंगे उसमें सेवनटी टू रिकॉर्ड मौजूद हैं नो यू वॉन्ट टू तो एड अनदर रिकॉर्ड तो अगर आप एस क्यूल को देखें तो एस के अंदर तो आप बेसिकली इंसर्ट ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं लेकिन इंसर्ट ऑपरेशन ऐसा जो इसके अंडरलाइंग लैंग्वेज है उनमें डिफाइंड नहीं है तो आप क्या करते हैं कि आपने जो नया रिकॉर्ड एंटर करना है आप ये सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक एक टेबल है जिसमें यह एक रिकॉर्ड है और जो आपका औरिजिनल टेबल है जिसमें आप रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं आप ये सपोज करते हैं कि ये हमारे पास दूसरा टेबल है अब ज़ाहिर है क्योंकि वो आप रिकॉर्ड इसमें ऐड करने जा रहे हैं तो वो तो बिल्कुल सेम होगा उसकी टाइप वगैरह जो कि आपके टेबल की है इसका मतलब यह कि तो ये जो दो टेबल हैं एक एक्चुअल एक हाइपोथेटिकल है ये दोनों यूनियन कंपैटिबल होंगे अब जब यूनियन कंपैटिबल हैं आप बाहिर तो इंसर्ट कमांड दे रहे हैं लेकिन अंडरलाइन क्या हो रहा है कि आपका जो नई जो रिकॉर्ड है उसका और जो आपका पुराना टेबल था इन दोनों का आपस में यूनियन हो रहा है और जहरा कि अभी हम ये पढ़ चुके हैं कि यूनियन ऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि जो आपके दो टेबल्स आपके पार्टिसिपेटिंग टेबल्स हैं उनके तमाम रिकॉर्ड आपको इकट्ठे तो इसके इसमें क्या होगा कि आपको क्या मिलेगा कि आपके जो टेबल था, उसमें एक और रिकॉर्ड एड हो चुका होगा यू डिनोट करते हैं मतलब यह है पहली बात तो यह होगी कि ये हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन जिसमें दो टेबल्स इन्वॉल्व हैं एक आर और एस और फिर दूसरी बात यह है कि दे हैव हाँ टू बी यूनियन कम्पैटेबल वो भी होना चाहिए जब आप दो ऑपरेशन पे आर माइनस एस जैसा डिफरेंस अप्लाई करेंगे उससे क्या होगा कि आपको जवाब के तौर पे वो वो आपको रिकॉर्ड मिल जाएंगे जो टेबल ए में तो हैं या टेबल आर में तो हैं पर एस में नहीं है जैसे आखिर में लिखा होगा कि यूज़ फॉर द डिलीट ऑपरेशन अब क्या होगा कि फर्ज करें आप एक खास रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं डर हमारे पास एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड है और उसमें से आप जो एम्प्लॉय ई जीरो वन फाइव है उसका रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे आप टेम्परली एक टेबल क्रिएट करेंगे उस टेबल में आप वो वैल्यूज डाल देंगे कि जो एम्प्लॉय ई जीरो फाइव की उसका पूरा रिकॉर्ड उस टेबल में डाल दिया आपने फिर जो आपका औरिजिनल टेबल था उसका और ये नया रिकॉर्ड जिस नया टेबल जिसमें आपने एक रिकॉर्ड डाला हुआ इन दोनों का आप डिफरेंस दे ले देंगे अब से आपके पास जो ओरिजिनल टेबल था उसमें हंड्रेड रिकॉर्ड थे नया टेबल जिसने जिसमें आपने वो रिकॉर्ड डाला हुआ जो रिमूव करना है उसमें एक रिकॉर्ड है जब आप इस सौ रिकॉर्ड वाले टेबल का जो कि आपका ओरिजिनल टेबल है और इस टेम्प्रेरी टेबल का जिसमें कि एक रिकॉर्ड है इनका डिफरेंस लेंगे अब देर आर नाइनटी नाइन रिकॉर्ड प्रैक्टिकली दैट आर इन दैट योर ओरिजिनल टेबल बट दैट आर नॉट इन योर सेकेंड टेबल तो क्या होगा कि आप जो इसका नेट इफेक्ट वो क्या होगा आपको ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा जिसमें कि नाइनटी नाइन रिकॉर्ड होंगे और उसमें वो रिकॉर्ड नहीं होगा जो आपने दूसरे टेबल में डाला हुआ था जो कि आपने टेम्परेली क्रिएट किया था तो आपको जो एक नेट इंपैक्ट मिलेगा वो ये होगा कि आपके ओरिजिनल टेबल से एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन ऑपरेशन इन द रिलेट डाटा और वह है कार्टिशन प्रोडक्ट इसमें यह होगा कि जब आप दो टेबल्स का कार्टिशन प्रोडक्ट लेंगे तो यह होगा कि दो टेबल्स इन्वॉल्व हैं ऑपरेशन है। एक टेबल की हर रो जो है एक टेबल का हर टपल वो मिलेगा कंकैटिनेट होगा दूसरी टेबल की हर रो के साथ और जो इसमें एट्रीब्यूट्स होंगे वो तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स होंगे यानी जो एक टेबल के तमाम एट्रीब्यूट्स और दूसरे टेबल के तमाम एट्रीब्यूट्स में तो शामिल होंगे और एक ये देखें कि इस ऑपरेशन के लिए टू बी यूनियन कंपैटिबल कोई भी टेबल हो सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट भी दूसरे से हो सकते हैं लेकिन इसका नेट इफेक्ट होगा हो कि जो आपका आउटपुट रिलेशन होगा उसमें तो वो होंगे तादाद उनकी जो कि दोनों टेबल्स के अंदर तो आपका आउटपुट टेबल आएगा दूसरी बात, तो बात इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स दोनों टेबल्स में ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनका नाम कॉमन है, यानी हैम कॉमन होने का मतलब हर गिज नहीं है कि वो सेम एट्रीब्यूट ही हों क्योंकि यानी एट्रीब्यूट नेम सेम होने से बाद दफा ये भी बात हो सकती है कि नाम तो एट्रीब्यूट का सेम है बट दे आर स्टोरिंग समथिंग डिफरेंट और इवन इफ दे आर स्टोरिंग द सेम थिंग बट दैट थिंग रेट समथिंग डिफरेंट मिसाल तौर पे आपके पास नेम एट्रीब्यूट एंप्लॉय के अंदर भी है और नेम एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट के अंदर भी है अब ऑल दोनों नेम है लेकिन वन इज स्टोरिंग द नेम ऑफ द एम्प्लॉइज और दूसरा स्टोरिंग द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट तो इस केस में क्या होगा कि ज़ाहिर है कि जो आपके पास जो आउटपुट आ रहा है दैट इज अशन बाय द डेफिनेशन जब रिलेशन है इसका मतलब यह है कि एक रेशन के जो बेसिक प्रॉपर्टीज में से यह है कि उसमें एट्रीब्यूट का नाम सेम नहीं हो सकता अब चूंकि कब दो जगह से आ रहा है दोनों डिफरेंट हैं तो आप यह भी नहीं कर सकते कि एक रिमूव कर दे किसको रिमूव करेंगे लेकिन यू कैन नॉट गिव द नेम द सेम नेम टू दैट एट्रीब्यूट एज वेल तो इस केस में यह होगा कि जो दोनों एट्रीब्यूट हैं इनके साथ एक जो आप कहना चाहिए कि जो क्वालिफायर है वो अटैच हो जाएगा एंड दैट क्वालिफायर विल बी द नेम ऑफ द टेबल जो कि इनको फिर एक दूसरे से फर्क करेगा दोनों नेम है लेकिन अब आग जो आउटपुट आएगा उसमें वो सिर्फ नेम नहीं आएगा बल्कि आ जाएगा

इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक टेबल के अंदर से पचास रिकॉर्ड हैं और दूसरे में बीस रिकॉर्ड हैं तो जो हमारा आउटपुट होगा उसके अंदर 1000 एक हज़ार रिकॉर्ड होंगे क्यों क्योंकि एक टेबल के हर रो बीस रोज से मिलेगी तो इसकी बीस रोज बन जाएंगी फिर दूसरी रो इन बीस रोज से मिलेगी पचास और लक डैट इस तरह फिफ्टी को मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी से इट बिकम्स वन थाउजेंड इसका मतलब यह है कि जो हमारा आउटपुट होगा उसके अंदर वन थाउजेंड रिकॉर्ड होंगे सो दिस इज द कार्टिशन प्रोडक्ट डियर स्टूडेंट वी स्टडिट इन द बिगिनिंग के जो हमारे पास रिलेशन एल्जबरा है उसके अंदर फाइव बेसिक ऑपरेशन हैं और वह फाइव बेसिक ऑपरेशन जब हम पहले पढ़ चुके हैं जिसमें के सिलेक्शन प्रोजेक्शन डिफ्रेंस यूनियन और क्रॉस प्रोडक्ट ये पांच ऑपरेशन थे अब हमने ये कहा था कि आर फाइव वोर ऑपरेशन दैट आर क्रिएटेड फ्रॉम दिस फाइव बेसिक ऑपरेशन और उनमें से जो पहला ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन ये है कि सेट ऑफ दैट बिलोंग टू बोथ यानी डिफरेंस में क्या होता है कि वो जो एक में दूसरे में नहीं है और जो आपका इंटरसेक्शन है वो ये करेगा कि जो दोनों में मौजूद है और जहरा कि ये बात आपको देखते फौरन अंदाजा हो गया होगा कि फॉर द इंटरसेक्शन ऑपरेशन विच इज ए बाइनरी ऑपरेशन

तो आपको वो मिल जाएंगे जो तो कि आर में भी हैं और एस में भी हैं विच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरसेक्शन डियर स्टूडेंट्स अगेन द थीटा ज्वाइन इज एन इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इट्स अ वेरी यूजफुल ऑपरेशन इन द दबरा और इसमें आप देखें कि दिस इज ए डेरिवेटिव ऑफ दिस इज एन आउटकम ऑफ द कार्टिशन प्रोडक्ट जो हमारा थीटा ज्वाइन है इसमें थीटा जो है बेसिकली दैट रिप्रेजेंट्स ए कंडीशन देखिए जो हमारा कार्डिशन प्रोडक्ट है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हर रो को एक टेबल की दूसरे टेबल की हर रो के साथ हम ज्वाइन कर देते हैं लेकिन इन मोस्ट ऑफ द रियल लाइफ सिचुएशन दिस इज नॉट ऑफ मच यूज क्योंकि आप हर रो को हर रो से मिलाना नहीं चाहते इन मोस्ट ऑफ दिचुएशन तो आप यह चाहते हैं आप चाहते हैं कि ठीक है मैं दो टेबल्स की रोज को मिलाना तो चाहता हूं लेकिन सडन रोज विथ सडन रोज उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप एक कंडीशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो जो आपकी यानी जो आपकी रोज खास कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं वो रोज आपस में मिल जाए उस पर जो कंडीशन है वो आप किसी एक टेबल एट्रीब्यूट पर भी लगा सकते हैं और चाहें तो दोनों एट्रीब्यूट दोनों टेबल्स के एट्रब्यूट्स के ऊपर भी लगा सकते हैं मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि आ, जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ का डिपार्टमेंट का अगर टेबल है तो आप सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ को का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें कि जिसमें जो आ, जो सैलरी है लट से वो टेन थाउजेंड से ज़्यादा है तो आपने क्या कंडीशन लगाई कि एम्प्लॉय टेबल के ऊपर एम्प्लॉय रिलेशन के ऊपर वो एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी टेन थाउजेंड से ज़्यादा है फर्ज़ करें हमारे पास कुल रिकॉर्ड दस हज़ार हैं और उनमें से फ़र्ज़ करें कि फाइव थाउजेंड रिकॉर्ड ऐसे हैं कि जिनकी सैलरी टेन थाउजेंड से ज़्यादा है तो आप थीटा जॉइन के ज़रिए ये कंडीशन लगा सकते हैं कि एम्प्लॉय टेबल में से वो एम्प्लॉयज हजार एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी दस हजार से ज्यादा है अब सिर्फ वही एम्प्लॉयज जो हैं वो दूसरे जो टेबल है उसके हर एक रोज से मिलेंगे क्योंकि वो तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है क्रॉस प्रोडक्ट का अब इसमें ये तो वो सिचुएशन है कि जब आपने कंडीशन अप्लाई की है एक टेबल के एट्रीब्यूट के ऊपर जहरा आप जब कंडीशन अप्लाई करते हैं ूट ऑफ द टेबल दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप जो है वो दोनों टेबल्स के एट्रीब्यूट के ऊपर कंडीशन लगा दें तो वो उनमें से इंडिविजुअली भी लग सकती है कि आ, इस टेबल पर यह कंडीशन एंड या और जो लॉजिकल कलेक्टर है उसके जरिए मिला के दूसरे टेबल पर यह कंडीशन या आप उस कंडीशन में दोनों को आपस में मिला सकते हैं मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि आपने कहा कि आ, आ, एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन टन थाउजेंड ठीक है एंड द डिपार्टमेंट आई है इन द डिपार्टमेंट टेबल दैट इज लेस देन लेट से डी जीरो कंडीशन लगा दी अलग से एम्प्लॉय के ऊपर एक कंडीशन अलग से लगा दी डिपार्टमेंट के ऊपर तो दिस विल ऑल्सो बी थीटा ज्वाइन क्या आपने कंडीशन लगाई अब सिर्फ वही रोज आपस में मैच करेंगी मिलेंगी जिन रोज पे ये कंडीशन अप्लाई होती है या जो रोज इन कंडीशन को फुलफिल करती है डियर स्टूडेंट्स थीटा जॉइंट की एक ख़ास शेप जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो है इक्वी जॉइंट और इक्वी जॉइंट की एक स्पेशल फॉर्म है जो सामने लिखी है दैट इज़ नेचुरल जॉइंट हमने कहा था कि थीटा जो है वो शो करता है कंडीशन को एट्रीब्यूट्स के ऊपर अब जाहिर है कि जब आप उस पर जो कंडीशन लगाएंगे वो कंडीशन डिफरेंट ऑपरेशन हो सकते हैं लेस देन ग्रेटर देन देन लेस इक्वल टू तो, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल टू वगैरह वगैरह लेकिन जिस वक्त आप इस थीटा में कंडीशन इस्तेमाल करें इक्वल की और आप दो दोनों टेबल्स के एक्ट्रीब्यूट दो आपके पास दो टेबल्स हैं जैसे हमने बात की एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट की अगर हम ये कहें कि हम इन दोनों को दोनों की रोज को आपस में मिलाना चाहते हैं लेकिन इस तरह से वो रोज मिले आपस में एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट के जिसमें के डिपार्टमेंट आईडी कॉमन है देखिए इसकी सेंस बनती है क्यों जहरा अगर आप चाहते हैं कि तमाम एम्प्लॉयज किस किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसके लिए जाहरा कि आप एक एम्प्लॉय की रो को उसी से मिलाना चाहेंगे जिस डिपार्टमेंट वो काम करता है तो जाहिर उसके लिए क्या कंडीशन बन सकती है कि एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू डिपार्टमेंट नेम तो दिस इज द जॉब ऑफ इक्ट ज्वाइन कि वो उन रोज को आपस में मिलाए जिनके आप जिनके अंदर के जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू इक्वल है दिस इज द इक्वी ज्वाइन वैन यू से द नेचुरल ज्वाइन इन दिन डिफरेंस क्या है कि जो आपका इक्वी ज्वाइन है उसमें जो आपका कॉमन एट्रीब्यूट है वो दो दफा आएगा दो दफा क्यों आएगा क्योंकि एक दफ़ा जाहिर है कि वो एक टेबल से बिलोंग करता है दूसरी से मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में तो जो डिपार्टमेंट आई है वो दोनों से बिलोंग करता है एम्प्लॉय से भी और डिपार्टमेंट से भी तो जब आप इसका इक्वी ज्वाइन लेंगे तो ये दोनों दफ़ा आएगा अब जाहिर है कि अगर तो दोनों टेबल्स में डिपार्टमेंट आईडी का नाम डिफरेंट है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ज़ाहिर है कि अगर उनका नाम सेम है तो ऐसी सिचुएशन में दर्ज अ प्रॉब्लम सेम नेम का अगर आपके आउटपुट का जो रिलेशन है उसमें दो दफा आ, आ रहा है तो वो नहीं हो सकता उस किसमें क्या होगा कि आपका जो डिपार्टमेंट आईडी है दैट वी बी क्वालिफाइड विद द टेबल नेम तो वो बन जाएगा एम डॉट डिपार्टमेंट आई और डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आई लेकिन इक्वी ज्वाइन में जो आपका कॉमन एट्रीब्यूट है वो दो दफा आ गया नेचुरल ज्वाइन जो है वह इक्वी ज्वाइन से यूं फर्क है कि नेचुरल ज्वाइन में जो आपका कॉमन एट्रीब्यूट है वो एक दफ़ा आएगा अब है कि अब आप इस चीज़ पे अब गौर करना ना शुरू कर दें कि तो वो किधर से आएगा क्योंकि इससे मैटर नहीं करता क्योंकि दोनों में वैल्यू तो सेम होनी है नो यू गेट ए सिंगल डिपार्टमेंट आईडी इट मे कम फ्रॉम डिपार्टमेंट और इट मे कम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एवर लेकिन वो एक दफ़ा आएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे आज के लेक्चर का टाइम ख़त्म हो चुका है आज के इस लेक्चर में हमने जो अपनी डिस्कशन थी वो स्टार्ट की थी इंटाग्रेटी कॉन्स्टोडेंट से जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास बिहेवियल और स्ट्रक्चरल दो तरह के हमारे पास इंटागटी कॉन्सोडेंट्स हैं और हमने ये पढ़ा था कि जो बिहेवियल इंटाग्रटी कॉन्सोडेंट्स हैं दे आर यूज्ड टू मॉडल सिमेंटिक्स ऑफ द सिस्टम्स या द बिजनेस रूल्स लेकिन जो स्ट्रक्चरल हैं वो डाटा data, जो डाटा में स्टोर हो रहा है उसके स्ट्रक्चर पर इंपोज होते हैं लेकिन मैंने आपसे भी कहा था कि अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इवन जो स्ट्रक्चरल इंटेक्टिव uh, कॉन्स्टोनेट्स हैं वो भी सर्टन बिजनेस रूल्स को ही एनफोर्स कर रहे होते हैं उसके बाद हमने कहा था कि जो हमारे पास रिलेशन डाटा मॉडल है उसका जो तीसरा कंपोनेंट है विच इज़ डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस उसको पढ़ने जा रहे हैं और उसके अंदर हमने कहा था कि हमारे पास दो मेजर कैटेगरीज हैं एक है प्रोसीजरल एक है नॉन प्रोसीजरल और प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनल uh, एल्जब्रा उसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि देर आर फाइव बेसिक ऑपरेशन डेट फॉर्म द रेशनल एल्जब्रा और उन पांच से हम फिर पांच और हैं जो कि उनको इस्तेमाल करते हुए हम डिफ़ाइन कर लेते हैं तो हमने जो पांच बेसिक ऑपरेशन थे वो पढ़ लिए हुए थे और जो डिराइव्ड ऑपरेशन हैं उनमें से हम अभी पढ़े थे अभी हमारे कुछ ऑपरेशन बाकी रह गए हैं जिनको इन हम कंटिन्यू करेंगे अपने आइंदा के लेक्चर में और मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़